So, hello everyone. Okay. Yes, am I audible? So please comment करके बता देंगे एक बारी फटाफट से. वो ओला So, hello connected with us. everyone. वो ओला connected with us. प्लीज एक बारी फटाफट से कमेंट करके बता देंगे. ओके फाइन. सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ स्नैपसॉल. ओके सो ओवर हियर वी आर गोइंग टू हैव एन अमेजिंग सेशन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ और डिजीजेस के बारे में. ठीक है, बट उसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि स्नैपसॉल जो है आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराता है, फ्री लाइव क्लासेस. और आज जो हम सेशन में बात करेंगे वो हम हेल्थ एंड डिजीज़ पे बात करेंगे. बट उससे पहले मैं बता दूँ, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. दैट आई एम डॉक्टर रवीना गुलाटी. आई एम अ डेंटिस्ट और मैं आई एम टीचिंग फ्रॉम पास्ट 2 to 3 years. और स्नैपसॉल्व के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं. ओके जल्दी से कमेंट कर देंगे कौन हमारे साथ कनेक्टेड हैं. ओके प्लीज़ कमेंट क्विकली सो दैट वी कैन सी कौन कौन हमारे साथ कनेक्टेड हैं. मुझे अभी तक तो कोई कमेंट नहीं दिखा है. यस सो वेलकम ऑल ऑफ यू. ठीक है, सो हमारा टेलीग्राम का एक ग्रुप भी है, उसको आप ज्वाइन करिए. वहाँ पे आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, टेक्स्ट एक्सरसाइज मिलेंगी. और नॉट जस्ट दैट, अगर आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो सोल्यूशन के लिए यू कैन गो टू स्नैपसॉल्व ऐप. ओके एंड स्नैपसॉल्व ऐप पे यू कैन फाइंड द सोल्यूशन वेरी इजीली. बहुत ईजी है, पिक्चर क्लिक करना है क्वेश्चन का और उसको पोस्ट कर देना है और आपको उसका सोल्यूशन बहुत ईजीली जो है मिल जाएगा. ठीक है, ओके. तो हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में हम बात करेंगे. आजकल के हिसाब से तो इस पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, यू नो, सिंस द पैंडेमिक सिचुएशन इज़ गोइंग ऑन. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अब तो हमें ये रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि यू नो हेल्थ सेक्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वाई शुड वी यू नो टेक केयर ऑफ आर हेल्थ. बिकॉज एक जो हमें आपने बहुत कॉमनली आजकल सुना होगा कि इम्यूनिटी वर्ड जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. ठीक है, कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी. तो इसी चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले कि भाई ये क्या है, हेल्थ क्या है, डिजीज़ क्या होती हैं, होता ही क्यों है ये सब. और यू नो कुछ लोगों को कोई डिजीज़ जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करती है, कुछ को कम करती है. तो भाई फंडा क्या है इसके पीछे, है ना. तो यही जो है हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, पहले देख लेते हैं हेल्थ क्या होता है. हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को बुखार नहीं है या मैं यू नो मेरे को कोई मेरी वैसे तबीयत खराब नहीं है. जिसको फिजिकली आप बोलते हो, आपकी बॉडी में आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है तो आप हेल्दी हो. नहीं, हेल्थ वो इनकम्प्लीट हेल्थ हो जाएगी. अगर हम कंप्लीट हेल्थ के बारे में हम बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ आपने आजकल सुना होगा, वो भी बहुत कॉमन है. नॉट जस्ट दैट, सोशल और अब जो न्यू डेफिनेशन अगर आप कहीं सुनो तो इकोनॉमिक हेल्थ की. तो इकोनॉमिक हेल्थ अगर एक एक करके हम देखेंगे. फिजिकल हेल्थ तो आप लोगों को पता है कि क्या मतलब होता है ना, कि फिजिकल हेल्थ आपको पता है कि हाँ भाई बॉडी में कहीं पेन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है जो कॉमनली हम बोलते हैं. बट मेंटल हेल्थ पे भी आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, जो दिया जाना चाहिए था पहले भी, बट चलो अभी भी हम दे लें कि मेंटल हेल्थ भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और सोशल वेलबींग, आपका सराउंडिंग्स, अगर आप किसी एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे बहुत गंदगी है, यू नो वो ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है और वाटर कलेक्ट हो रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी इन्वायरमेंट टू लिव इन. और इकोनॉमिक क्यों, इकोनॉमिक का मतलब ये नहीं कि समबडी इज़ वेरी रिच तो वो हेल्दी है, ऐसा नहीं होता है. इकोनॉमिक मतलब कि इतना इकोनॉमिक स्टेटस दैट यू कैन हैव यू नो गुड फूड, यू नो प्रॉपर डाइट एंड जस्ट जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं आपकी वो आपको ईजिली अवेलेबल हो. तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपके हेल्थ में आते हैं, सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं आती है. ठीक है, हाय आस्था, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस. ओके सो तो ये हमने हेल्थ के बारे में देखा. अब डिजीज़ के बारे में हम समझेंगे. देखो डिजीज़ को अगर आप ब्रेक करोगे, ठीक है, डिजीज़ को जो हम ब्रेक करते हैं तो जो हमें वर्ड मिलता है डिस्टर्ब्ड ईज. मतलब ईज मतलब आसानी से कोई काम आपका हो जा रहा है.
ठीक है, और डिस्टर्ब, जब वो ईजीनेस आपकी डिस्टर्ब हो जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं डिजीज, मतलब डिस्टर्ब। ऑब्वियसली अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब है या फिजिकली डिस्टर्ब है, सोशल वेलबींग उसका ठीक नहीं है, इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस है, तो वो डिस्टर्ब हो गया ना, उसका ईजीनेस डिस्टर्ब हो गया, तो वेन देन वी कॉल इट इज अ डिजीज। तो ये डिजीज जो है वो कंडीशन होती है जो एक जो जिसको भी होगी, जिस तरह की भी डिजीज होगी, वो उसकी डे टू डे एक्टिविटी को इफेक्ट करेगी। एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो जुकाम भी अगर हमें हो जाता है, सिंपल मैं बात कर रही हूँ, तो जुकाम में भी क्या होता है ना कि कितना इरिटेटिंग से फील होता है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ ना किसी ढंग से कुछ खाने का मन करता है, आपका टेस्ट इफेक्ट हो जाता है, सो ऑल दीज थिंग्स गेट इफेक्टेड, दैट मीन्स योर ईजीनेस इज बीइंग इफेक्टेड। ओके, तो साथ साथ कमेंट करते चलेंगे, अगर कोई चीज़ आपको पूछनी है यहाँ पे साथ में, या कोई चीज़ कमेंट ऐड भी करना है, तो दैट यू कैन ऑल्सो कमेंट, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। ठीक है, तो अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं? पब्लिक क्लीनिनेस, जैसे अभी हमने बताया था, ऑफकोर्स पब्लिक क्लीनिनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, नॉट जस्ट पब्लिक, पर्सनल क्लीनिनेस भी बहुत मैटर करती है। ठीक है, जिसमें आपको बहुत बच्चों बचपन से सिखाया जाता है ना कि यू शुड टेक बाथ एवरी डे एंड यू नो ब्रश योर टीथ, और ये सब बेसिक क्लीनिनेस के जो होते हैं मैटर। ठीक है, देन इकोनॉमिक कंडीशन, एज आई टोल्ड यू कि ऑफकोर्स मैटर करती है, अगर यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा रिचनेस की बात नहीं करें, बेसिक एम्यूनिटीज अफोर्ड करने की बात करते हैं। ठीक है, सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी, पर्सनल हाइजीन, एज आई जस्ट टोल्ड यू, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बहुत ही अंडर रेटेड है, मैं आपको बताऊँगी, बैलेंस डाइट, बहुत ही अंडर रेटेड है ये चीज़, क्योंकि डाइट इज नॉट जस्ट कि कई लोग आपको दिखेंगे कि वो नॉट केयरिंग, कुछ भी खा रहे, कई लोग आपको सुनिए इतने पर्टिकुलर है, अरे कार्ब्स नहीं खाना, सुना ना, नो कार्ब्स डाइट और कीटो डाइट, प्रोटीन डाइट, नो दिस इज नॉट राइट, यू नो, आपको इट्स नॉट अबाउट बीइंग स्किनी, इट्स अबाउट बीइंग हेल्दी। तो हेल्दी डाइट के लिए हमें क्या चाहिए कि बैलेंस डाइट आप खाओ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपके लिए, तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ और लेट मी सी हाउ मेनी कैन आंसर, और लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, is there any difference between being healthy and disease free? Like if I say that, you know, if you're disease free, there's no disease in your body, so do you consider yourself healthy, or like there is some other definition or difference between healthy and disease free? If anybody can answer that, I would really like to see the response. Okay, so if not, then let's see the answer, see what are the differences. Health, as I just told you, it's state of physical, mental and social well-being, and disease is merely the absence of disease. For example, if I tell कि एक individual है, उसको डेंगू का जो है डिजीज हो गया, ठीक है, तो अब उसका डेंगू डिजीज जो है कुछ टाइम उसका ट्रीटमेंट चला, यू नो, वन वीक और सो, तो उसके बाद वो ठीक हो गया है, अब उसके बॉडी में डेंगू का जो भी वो था वायरस था, वो बॉडी से एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, तो क्या वो हम उसको हेल्दी बोल देंगे? आपको पता ना, हम बोलते हैं ना अभी इसको रिकवर करना है, जैसे डॉक्टर बोलता है कोई भी डिजीज हो तो उसके बाद बोलते हैं भाई रिकवरी रेट जो है, रिकवर करना है, इसको घर जाके अच्छी डाइट दो, यू नो, हैव मोर वाटर, ऑल दीज थिंग्स क्या हैं? तो अभी आप हेल्दी नहीं हो, बॉडी से डिजीज तो चला गया, बट बॉडी अभी कम्प्लीटली हेल्दी नहीं हुई है। सो दिस इज वॉट द डिफरेंस मीन्स। सो इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। हेल्थ की अगर हम बात करेंगे तो हम सारे एस्पेक्ट लेके चलेंगे, एक इंडिविजुअल की बात करेंगे, उसकी बॉडी में डिजीज नहीं होनी चाहिए, उसका फिजिकल सोशल एनवायरनमेंट भी साथ साथ मैटर करता है। फिर डिजीज फ्री की हम जब बात कर रहे हैं तो हम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर डिजीज नहीं है। ठीक है, क्लियर? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज कमेंट। ओके, सो द इंडिविजुअल हैज गुड हेल्थ, ऑफ कोर्स द इंडिविजुअल मे हैव पुअर हेल्थ और पुअर गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल द अदरवाइज इंडिविजुअल वॉज हेल्थी, मतलब उसका सोशल एनवायरमेंट ठीक है, इकोनॉमिक वो जो है वो ठीक है, बट उसकी बॉडी में डिजीज है। ठीक है, ओके, देन क्वेश्चन आता है वॉट आर द डिफरेंसेज बिटवीन सिम्टम्स एंड साइंस। साइन और सिम्टम के बीच में डिफरेंस क्या होता है? बहुत ही बेसिक चीज़ है, बट कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में, इसलिए हमें इसको इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। सिम्टम मतलब होता है कि जो पेशेंट आपको बताएगा, जैसे मान लो कि मैं डॉक्टर हूँ और आप पेशेंट मेरे पास आ रहा है, वो मुझे बोलेगा मुझे ना यहाँ पे दर्द हो रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, या मुझे भूख नहीं लगती, या नो, या फिर मुझे जो भी खाता हूँ ऐसा लगता है कि वॉमिटिंग आ जाएगी। तो ये सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट आके डॉक्टर को बताता है कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है। अब डॉक्टर, क्योंकि ऑफकोर्स डॉक्टर ने पूरी एजुकेशन इस चीज़ में पढ़ा है, डॉक्टर के पास जाते हैं इसीलिए ना, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपके सारे सिम्टम्स को सुनता है और अब वो उसके अकॉर्डिंग साइंस को देखता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूँ
कि जैसे मान लो अगर किसी को जॉन्डिस हुआ है, ठीक है, तो उसका लिवर इफेक्ट होता है, यू नो जॉन्डिस इज अ डिजीज जिसमें आपका लिवर इफेक्ट होता है, तो पेशेंट को कैसे पता चलता है, वो क्या सिम्टम्स देखता है, वो उसको दिखेगा कि यू नो येलोइश डिस्कलरेशन होता है उसकी बॉडी में, या आप देखोगे आई जो वाइट पार्ट होता है आई का, वहाँ पे आपको येलोइश डिस्कलरेशन दिखता है, देन नेल्स बेड में दिखता है, और अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो स्किन में भी दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या है, सिम्टम है येलो डिस्कलरेशन, ये दिखता है पेशेंट को, पेशेंट बहुत ईजिली इसको आइडेंटिफाई कर लेता है। अब ये लेके वो डॉक्टर के पास जाएगा, साथ में उसको और भी होगा कि भाई हो सकता है उसको फीवर आ रहा हो सकता है उसको भूख ना लग रही हो, या जो भी खा रहा हो डाइजेस्ट ना हो रहा हो, तो ये क्या है सारे सिम्टम्स। जब ये सारे सिम्टम्स डॉक्टर के पास लेके जाएगा तो डॉक्टर क्या करेगा, जी अच्छा ठीक है आप अपना लिवर टेस्ट कराओ। डॉक्टर को सबसे पहले क्लिक करेगा दिस इज a sign that is jaundice, and let me tell you one thing over here, jaundice disease nahi hoti, jaundice ek symptom hota hai, kisi wajah se liver pe effect aa raha hai ya kuch hai, wo disease kuch aur hai, to symptom uska kya hai, yahan pe aapka jaundice hai। I hope I've made myself clear, agar koi bhi doubt hai to please comment kariye aur puchiye, theek hai। Now सिम्टम रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ हो सकता है, अगर ऑब्वियसली आपको जो चीज़ नॉर्मल से हटके हो रही है, नॉर्मल हो रही है बॉडी में, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई बॉडी में कोई ना कोई डिजीज़ है, ठीक है, सिंपल सी बात है। पेशेंट को लगेगा कि हाँ भाई, बट जब आप पर्टिकुलर डॉक्टर कोई पर्टिकुलर सिम्टम को देखता है तो वो आइडेंटिफाई करता है कि जैसे मैंने अभी लेबर वाला एग्जाम्पल बताया कि कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे आपकी डिजीज़ को। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि अगर पेशेंट बोल रहा है मुझे बहुत खांसी हो रही है, ठीक है, खांसी हो रही है, हो सकता है कि खांसी में ब्लड भी आ रहा है, सो पॉसिबिलिटी जैसे वो जाएगा तो डॉक्टर को लगेगा कि देयर मे बी सम इन्फेक्शन इन चेस्ट, वो कुछ भी हो सकता है, वो तो उसको शक होगा कि हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, और आज तो जैसे चेस्ट में आपका कोरोना वायरस भी इफेक्ट कर रहा है ना, तो वो क्या है, अब एकदम से आप नहीं बोल सकते हो सीधा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेविलेंट है इसका फैला हुआ है तो कोरोना वायरस आएगा, बट चेस्ट में इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस में भी होता है। तो पेशेंट ने साइन बताया कि उसको सॉरी सिम्टम बताया कि उसको यू नो खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, और उसको चेस्ट में सॉरी जो कंजेशन फील हो रहा है और उसके खांसी में ब्लड है, ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि हाँ भाई चेस्ट में कुछ इन्फेक्शन है। अब वो सिम्टम कोई पर्टिकुलर डिजीज़ कौन सी हो सकती है वो डॉक्टर आइडेंटिफाई करेगा, चाहे वो उसके लिए टेस्ट कराए। सो दिस इज डिफरेंट बिटवीन साइन एंड सिम्टम, ठीक है। Then we have acute disease or the chronic diseases, types of diseases की हम यहाँ पर बात करते हैं। टाइप ऑफ डिजीज़ देखो, टाइम ड्यूरेशन की बेसिस पे डिजीज़ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, होती है एक्यूट डिजीज़, एक होती है क्रॉनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ देखो, एक्यूट वर्ड जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब क्या है कि कुछ भी बहुत कम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। जब कोई चीज़ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होती है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्यूट डिजीज़ है जो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है, ठीक है। जैसे फीवर हो गया, कॉमन कोल्ड होता है आपका, फ्लू होता है, डायरिया होता है, ये सारी डिजीज़ क्या होती हैं जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। क्रॉनिक होती हैं जो कई कई डिजीज़ जो पूरी लाइफ लॉन्ग आपके चलती हैं, ठीक है, बहुत लंबी डिजीज़ होती है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे आप ये तो बहुत कॉमन है, आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल होती है कैंसर, एक एग्जाम्पल होता है जो बहुत ही क्रॉनिक डिजीज़ में आता है, किडनी रीनल जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं कई बार, एक्यूट भी हो सकते हैं, ये क्रॉनिक भी हो सकते हैं। डायबिटीज़ जो है, हाइपरटेंशन है, ब्रोंकाइटिस है, एस्थमा है, ये सारे कैसे हैं, क्रॉनिक डिजीज है, लाइफ लॉन्ग चलती हैं, कुछ जल्दी हो भी जाती हैं, बट दीज आर क्रॉनिक डिजीजेस। और अगर हम एक और डिफरेंस की बात करेंगे, एक्यूट डिजीज जो होती है डिबिलिटी का मतलब एबिलिटी का उल्टा डिबिलिटी, मतलब अपाहिज नहीं करते हैं इंसान को, या उस ऑर्गन को इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम होता है तो इतना बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं करते। जैसे आपने आजकल सुना होगा, हाय प्रेरणा, हाउ आर यू, स्पेशली मुझसे सो नाइस टू हैव यू प्रेरणा, तो रेगुलर क्लासेस के लिए आना है, ठीक है प्रेरणा, चलो। तो आप लोगों ने सुना होगा, सो हमारे साथ आस्था है, हमारे साथ प्रेरणा है, तो आप लोगों ने कॉमनली सुना होगा कि कोरोना वायरस की जैसे कई कई रोज़ रोज़ ना कुछ नई स्टडीज़ आ रही हैं। अभी जैसे अभी आपने कुछ टाइम पहले जैसे मैं देख रही थी तो बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस का कुछ ऐसा इम्पैक्ट आ रहा है बॉडी के ऊपर जिसपे लॉन्ग टर्म जो है, जैसे मान लो किसी को स्किन डिस्कलरेशन हुआ था, किसी के ना पैरों में बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो पॉसिबिलिटी है। देखो हर डिजीज़ में नहीं होता, कई बार ऐसे कुछ डिजीजेज होती हैं जो बॉडी पे ऐसे इम्पैक्ट करते हैं, अगेन वो इम्यूनिटी से ही रिलेटेड होता है आपका, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम हो जाता है। दैट्स ग्रेट, ग्रेट टू नो प्रेरणा, आस्क ऑल अदर स्टूडेंट्स टू जॉइन अस, ठीक है।
क्रॉनिक डिजीज जो है वो कई बार आपकी बॉडी में उस ऑर्गन को जिसने इम्पैक्ट किया होता है उसको अपाहिज कर देती है, यू नो योर डेबिलिटी, उसकी एबिलिटी को, एफिशिएंसी को कम कर देती है. एक्यूट में ज़्यादातर ऐसा नहीं होता. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज़रा मुझे बता देंगे. एनसेफेलाइटिस एक डिजीज़ होती है, क्या लगता है आपको? क्योंकि अभी अगर आपने देखा है, अगर यहाँ पे एग्जांपल देखा होगा, एनसेफेलाइटिस जो है एग्जांपल आपका क्रॉनिक डिजीज़ का, तो आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एनसेफेलाइटिस डिजीज़ कैन हैव ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑन आर हेल्थ, ऑप्शन बी नो इफेक्ट ऑन आर हेल्थ, ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन आर हेल्थ, और ऑप्शन डी समटाइम्स बैड इफेक्ट ऑन आर हेल्थ. तो क्या लगता है, जो भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, कैन दे आंसर दिस क्वेश्चन? इफ दे कैन कम ऑन क्विकली, अदरवाइज मैं लाइक आई विल काउंट टिल 5 एंड देन मैं आंसर शो कर दूंगी. यस प्रेरणा, यस बेटे, इट्स अ ब्रेन फीवर. एब्सोल्युटली राइट, इट्स अ ब्रेन फीवर. यस, इट्स अ ब्रेन फीवर. और ऑफ कोर्स ये क्रॉनिक डिजीज है, तो नाम से हमें पता चल जाएगा लॉन्ग टर्म इफेक्ट कॉज करती है ये. ठीक है, इट कॉजेज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द बॉडी. ठीक है, वेरी गुड प्रेरणा, आई डेंट इवन टेल, और तुमको पहले से आता था. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. ठीक है, तो कॉजेज ऑफ डिजीज जो है वो तीन लेवल पे होता है. जैसे ये तो हम अभी बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, अगर हम एपिडेमोलॉजिकल डिजीज, एपिडेमोलॉजिकल डिजीज होते हैं जो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस ने इम्पैक्ट किया हुआ है. तो कोई भी डिजीज़ को ना, जब भी हमें उसको पढ़ना होता है, उसके कॉजेज को हम तीन लेवल पे पढ़ते हैं. एक होता है प्राइमरी कॉज. ठीक है, प्राइमरी कॉज क्या होता है? इमीडिएट, मतलब बेसिकली डिजीज हो किस वजह से रही है. ठीक है, जो फर्स्ट आप बोल सकते हो, फर्स्ट लेवल है कि प्राइमरी रीजन क्या है. जैसे अभी हम कोरोना वायरस की बात करें, ये जो डिजीज कॉज कर रहा है इसका प्राइमरी रीजन क्या है? वायरस. वायरस कोई भी कॉजेटिव एजेंट जो होता है वो प्राइमरी रीजन होता है. जैसे अगर आपको पता होगा कि जो आपका ट्यूबरक्लोसिस है वो बैक्टीरियल डिजीज है, तो उसका प्राइमरी कॉज क्या है? वो बैक्टीरिया जो उसको एक्चुअली कॉज कर रहा है. तो प्राइमरी मतलब जो मोस्ट बेसिक होता है ना, प्राइमरी है, बेसिक मेन रीजन क्या है, दैट इज योर प्राइमरी लेवल. सेकेंडरी लेवल होता है कि भाई उसी इंडिविजुअल, अब देखो कोरोना अब कई बार ऐसे होता है हम कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, लेकिन उसी इंडिविजुअल को क्यों हुआ? पहली बात तो एरिया मैटर करता है बहुत ज़्यादा, कि उस एरिया में प्रॉब्लम स्प्रेड हुआ है. किसी और पर्सन को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी एक्यूट क्रॉनिक तो याद है, एक्यूट डिजीज जो थोड़े टाइम के लिए होते हैं, क्रॉनिक. यस एब्सोल्युटली राइट प्रेरणा, बिल्कुल सही. एक्यूट जो थोड़े टाइम के लिए होते हैं, क्रॉनिक जो लंबे टाइम के लिए होते हैं, कभी कभी लाइफ लॉन्ग भी करते हैं. और एनसेफेलाइटिस एक क्रॉनिक डिजीज है. बिल्कुल सही प्रेरणा, वेरी गुड. ठीक है, तो सेकेंडरी लेवल होता है एनवायरनमेंट, कि भाई इस इंडिविजुअल को क्यों हुआ, फिर आप उसको ट्रेस करते हो कि हाँ भाई ये, जैसे अभी आपने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग देखी होगी कि कुछ लोगों को क्यों हो रहा है, कि वो उस पर्टिकुलर एरिया में रहते थे, वो उस बंदे के कॉन्टैक्ट में आए होंगे. तीसरा होता है टर्शरी लेवल, कई बार है कि उस एरिया में रहते हुए भी उस इंडिविजुअल को नहीं हुआ क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपने आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक मतलब सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक आपकी बेसिक लाइफस्टाइल के लिए भी आपको बातें जाननी कितनी इंपॉर्टेंट है. तभी आपको समझ आएगा कि गुड फूड, गुड हेल्थ, ये इम्यूनिटी का रोल कितना ज़्यादा है टू यू नो स्पेशली डील विद अनप्रेसिडेंटेड कंडीशंस लाइक पैंडेमिक. ठीक है, सो दूसरा हम जो डिजीज़ को क्लासीफाई करते हैं वो हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. कैंसर क्रॉनिक होती है. यस, कैंसर ऑफकोर्स क्रॉनिक होता है. आपने कभी सुना है कोई कैंसर एक महीने में या 15 दिन में या एक हफ्ते में ठीक हो गया? नहीं, कैंसर तो डेफिनेटली क्रॉनिक डिजीज़ है. ये होता है कि अगर आप उसमें वो क्लासीफाई करते हो कि कितना ज़्यादा डेडली है वो वाला कैंसर, क्योंकि कई कैंसर कम स्प्रेड करते हैं, कई कैंसर बहुत तेज़ी से स्प्रेड करते हैं, बट डेफिनेटली वो एक क्रॉनिक डिजीज़ होता है. और जैसे कई केसेस में ऐसा होता है कि उनका डायग्नोस लेट हुआ है कैंसर, और बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना फैलने स्प्रेड होने वाला कैंसर था, तो उस केस में कई लोग इंडिविजुअल्स में मंथ भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. बट वैसे कैंसर को हमें क्रॉनिक डिजीज नहीं कंसिडर करेंगे. ठीक है, ओके. देन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की हम बात कर रहे थे. इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस में क्या, इन्फेक्शियस जो होती हैं एक से दूसरे में फैलती हैं. देन इन्फेक्शन, पहली बात तो इन्फेक्शन का मतलब है किसी माइक्रो, कोई पैथोजन की वजह से हो रही है ये माइक्रो. जैसे आपकी ट्यूबरक्लोसिस हो गई, टाइफाइड हो गई, ये डेंगू हो गया, कोरोना वायरस, ये सारी कैसी इन्फेक्शियस डिजीजेस जिसमें कोई पैथोजन, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है. नॉन इन्फेक्शियस में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होता है सबसे. और इन्फेक्शियस का आपका दूसरा नाम होता है क्रॉनिक और परमानेंट. तो नहीं, परमानेंट नहीं कह सकते, कि बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस ठीक भी हो जाती हैं. क्रॉनिक का सिंपल सा मतलब है जो लंबे टाइम तक चलती हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो क्योरेबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं होता. ठीक है,
सो इन्फेक्शियस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन स्प्रेड करेगी, इसलिए उसको कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कहते हैं. और नॉन कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो स्प्रेड नहीं करते हैं, जो डिजीज स्प्रेड नहीं करते. तो बहुत ईजी इन्फेक्शियस का तो मैंने अभी इतने सारे एग्जाम्पल बता दिए. चलो प्रेरणा आस्था आप लोग भी एक एक दो दो एग्जाम्पल बता दो, बहुत सारे कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज. सबसे पहला एग्जाम्पल तो मुझे पता है अभी क्या चल रहा होगा सबके दिमाग में, है ना. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो है उसमें आपका एग्जाम्पल होता है कैंसर और एस्मा, ये स्प्रेड नहीं होते हैं, ठीक है. एक बंदे से डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये थोड़ी कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को छू दिया या किसी तरीके से जो उसको उसका डिजीज जो है डायबिटीज दूसरे बंदे को हो गया, नहीं ऐसा नहीं है. सो ये सारी कैसी है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है. तो चलो एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक यू इल इफ यू कम इन कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन. इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जो एक बंदे से दूसरे बंदे तक हो सकती है अगर वो उसके कॉन्टैक्ट में आए. नहीं नहीं, HIV चिंपैंजी से नहीं होता है. HIV के स्प्रेड होने के 4 मेथड्स होते हैं. मैं HIV को डिटेल में पढ़ाती हूँ, बट तुमने क्वेश्चन पूछा तो मैं बता देती हूँ. HIV जो है वो बॉडी फ्लूइड से स्प्रेड करता है, ठीक है. एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में करता है, लेकिन देखो जो स्प्रेड मोड ऑफ स्प्रेड होता है ना वो अलग अलग होता है हर डिजीज का, ठीक है. अभी मैं उसको बताने वाली, पहले मैं, हाँ एब्सोल्युटली राइट प्रेरणा, बिल्कुल सही. स्नीजिंग एंड कफिंग, ठीक है. अच्छा ये भी एग्जाम्पल ये भी बताती हूँ, तब तक मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर करूँगी. एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज, एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज वेरी ईजी. चलो जब तुमने कहोगे मैं लिख देती हूँ. ट्यूबरकुलोसिस अभी बताया, इट्स अ एयरबॉर्न डिजीज. अब देखो मोड ऑफ स्प्रेड को हम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर आर डिफरेंट मोड ऑफ स्प्रेड. एक होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हेल्दी और एन इन्फेक्टेड पर्सन, जो ये फ्लूज होते हैं, ये कोरोना वायरस है आपका, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होने वाली डिजीज है, ठीक है. बंदा उसके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में इन्फेक्टेड पर्सन क्या आएगा, हैंड शेक किया, गले मिला, ये सारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. स्पेशली जो फ्लू डिजीज होती हैं आपकी, कॉमन कोल्ड हो गया, हाँ ब्लड मिक्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही प्रेरणा, ब्लड मिक्स नहीं होना चाहिए. इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, जैसे अब ये भी कोरोना वायरस में इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि वायरस जो है वो सरफेस पे स्टे कर रहा है. लेकिन हर डिजीज में ऐसा नहीं होता है. कोरोना वायरस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी स्प्रेड हो रहा है, इनडायरेक्ट से भी स्प्रेड हो रहा है. हाँ सबको नहीं होता, सबको नहीं होता, क्योंकि मैं बताती हूँ प्रेरणा सबको क्यों नहीं होता. क्योंकि जो ब्लड मिक्स हो रहा है वो जो ब्लड है वो उसी इंसान के अंदर होना चाहिए, ठीक है. वो इन्फेक्टेड ब्लड होना चाहिए, तभी हम जो हैं उसको कह सकते हैं कि वो उस बंदे को HIV जो है आपका होगा, ठीक है. ओके फाइन. सो तीसरा आपका होता है एयर ड्रॉपलेट्स. एयर ड्रॉपलेट्स से क्या, जो आपकी जब मैंने बताया ना जो ट्यूबरक्लोसिस एयरबॉर्न डिजीज है, कि तभी हम मास्क पहनते हैं. अगेन कोरोना वायरस आपका इससे भी स्प्रेड हो रहा है, अब आपने सुना होगा, तभी मास्क की वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है. अच्छा साउंड धीरे है आज, थोड़ा सा तेज बोल के देखते हैं, ठीक है. तो अब आपका क्या होता है कि उसमें आपका एयर से जो है वो स्प्रेड करता है, ठीक है. एयर से जब वो स्प्रेड करता है ना, कभी हम मास्क पहनते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, एयर से स्प्रेड करता है. अगर इन बैक्टीरिया एयर में आ गया और अगर सामने वाले इंडिविजुअल ने कवर नहीं कर रखा है अपना माउथ, तो उसको भी वो स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है. देन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जो आपका टाइफाइड है और ये आपका कॉलरा होता है, ये सारे डिजीजेस कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, लाइसेंट्री डिजीज होते हैं, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड करते हैं, ठीक है. देन मॉस्किटो, फ्लाइज एंड डॉग्स, जो आपके वेक्टर्स होते हैं सच एज मॉस्किटोज, फ्लाइज एंड डॉग्स जो होते हैं, आप फटाफट से मुझे कोई बता सकता है कि मॉस्किटो से कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है? कोई बता सकता है मॉस्किटो से कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है? ओके तो मैं ही बता देती हूँ. मलेरिया जो होता है आपका वो मॉस्किटो से स्प्रेड होता है, ठीक है. कैसे होता है उसको हम जब एक एक डिजीज को इंडिविजुअली, हाय जया, हाय हाउ आर यू, आई होप यू डूइंग फाइन, ग्रेट टू हैव यू, ठीक है. सो मॉस्किटो, फ्लाइज जो है वेक्टर का मैं मतलब छोटा सा बताती हूँ. वेक्टर्स वो होते हैं जो एक्चुअली कॉजेटिव एजेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन वो कॉजेटिव एजेंट्स को कैरी करते हैं. जैसे मलेरिया प्लाज्मोडियम कॉज करता है, आई मीन प्लाज्मोडियम जो होता है वो मलेरिया कॉज करता है, ठीक है. बट लेकिन वो प्लाज्मोडियम एक ह्यूमन तक पहुंचता कैसे, हाय ग्रीष्मा, हाय हाउ आर यू, हाँ प्लाज्मोडियम कॉज करता है. लेकिन वो प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी तक पहुंचता कैसे है, यस हाय श्वेता, यस डेंगू नहीं, मैं हाँ डेंगू भी, यस डेंगू में भी वेक्टर आपका एडीज मॉस्किटो है, लेकिन जो उसका वायरस होता है वो उससे स्प्रेड करता है,
ठीक है, आई एम ऑल्सो गुड जया, वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है, सो अब HIV की बात की थी प्रेरणा ने. नहीं नहीं बिल्कुल प्रेरणा आ रहे हैं, साउंड वाला तुम्हारा आया था. ठीक है, ओके. जो ब्लड और बॉडी फ्लूइड की हम बात कर रहे थे, बॉडी और ब्लड फ्लूइड जो तुमने HIV की बात की थी, वो ये जो है आपकी स्प्रेड करती हैं. कैसे, अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन का जो ब्लड होता है वो दूसरे इंडिविजुअल में अगर चला जाएगा, तब जो है ये HIV होने के चांसेस है. या फिर सेक्सुअल इंटरकॉर्स में भी, क्योंकि बॉडी फ्लूइड इन्वॉल्व होता है तब एक इंडिविजुअल, या फिर मदर से एक इन्फेक्टेड मदर तो उसकी बेबी में जा सकता है, क्योंकि वहाँ से भी मदर का ब्लड जो है बेबी में जाता है. येस एनोफिलीज, एब्सोल्युटली राइट. तो समझ आया बॉडी फ्लूइड का क्या है. अब यहाँ पे बात क्या है ध्यान रखने वाले, कि अगर एक इंडिविजुअल को होगा तभी जो है वो दूसरे को स्प्रेड होगा, ऐसे स्प्रेड नहीं होगा. ठीक है, सो डिजीज मैनिफेस्टेशन जो पर्टिकुलर ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा होगा, उसी ऑर्गन के हिसाब से आपको सिम्टम्स नजर आते हैं. ठीक है, जैसे देखो, अगर आपका नोज से एंटर करेगा तो मोस्ट बहुत इजी है समझना कि वो डायरेक्टली आपके लंग्स को जाके इफेक्ट करेगा. इसका एग्जांपल है TB, और इसमें आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं कफ या ब्रेथलेसनेस. ठीक है, माउथ से अगर कोई वायरस या कोई भी एजेंट जो है आपका एंटर कर रहा है, वो सीधा गट लाइनिंग मतलब आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वहाँ पर एंटर करेगा. स्टाइफाइड, तो वहाँ पे क्या सिम्टम्स आएंगे आपको, पोअर एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगना, पेट में दर्द हो, या हो सकता है डायरिया वगैरह हो जाए. तो डिपेंडिंग अपॉन जो एजेंट है किस ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है, किस टिश्यू को इफेक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है सिम्टम्स आते हैं. देन मॉस्किटो बाइट, जैसे मलेरिया में लिवर और RBCs इफेक्ट होते हैं, तो उसमें पे लेसो की ब्लड लॉस होता है. ठीक है, ग्रीष्मा, वी विल बी कीपिंग क्लासेस ऑन यूट्यूब ओनली. ठीक है, क्योंकि बाकी जूम पे कुछ होगा तो वी विल लेट यू नो. तब तक यूट्यूब पे क्लासेस को एंजॉय करो. ठीक है, तो माइक्रोब विच एंटर द बॉडी थ्रू नोज आर मोस्ट लाइकली टू इफेक्ट. क्या लगता है आप लोगों को, जो माइक्रोब्स आपकी नोज से एंटर कर रहे हैं वो किसको इफेक्ट करेंगे? चलो चलो फटाफट से आंसर करो. या नाइस टू सी यू जया, नाइस टू सी यू ऑल्सो, ग्रेट टू हैव यू ऑल हियर. वी विल बी गिविंग यू प्रॉपर शेड्यूल, जो क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगी तो कुछ भी तुम लोगों का मिस नहीं होगा, डोंट वरी. ठीक है, ओके. सो इसका आंसर जो है आपका ऑफकोर्स लंग्स है, बहुत ईजी है, लंग्स के थ्रू एंटर करेगा ये. हाँ बिल्कुल जया, एब्सोल्युटली राइट जया, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, लंग्स. ठीक है, देन इन्फेक्शियस एजेंट्स आपके अलग अलग हो सकते हैं, यू नो दे कुड बी बैक्टीरिया, दे कुड बी वायरस, दे कुड बी फंजाई, प्रोटोजोन्स, वर्म्स. हाँ प्रेरणा, मुझे लग रहा है कि कॉमेंट्स आपके नहीं आ रहे हैं, बस वहाँ क्या आया था लास्ट आपका और अभी आया है, नहीं आ रहा. हाँ डी अब आ गया, नहीं इट हैज़ टू बी डी, यस यस जया, इट्स नॉट सी, इट्स डी, क्योंकि लंग्स को जो है वो इफेक्ट करेगा. ठीक है, सो इन्फेक्शियस डिजीजेस एजेंट्स हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंजाई, यस श्वेता एब्सोल्युटली राइट, फंजाई हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, वर्म्स हो सकते हैं. ठीक है, जैसे हम कुछ बैक्टीरियल डिजीज देखते हैं, डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, वूपिंग कफ, ये सारे बैक्टीरियल वाले डिजीज हैं. वायरस में अभी एक जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होगा उसका. यस ग्रीष्मा, एब्सोल्युटली राइट. हाय अमन, हाउ आर यू, ग्रेट टू हैव यू ऑल हियर. हाँ टेलीग्राम पे सब कुछ पता चल जाएगा आप लोगों को. ठीक है, यस बैक्टीरिया, देन वायरस में आपका कॉमन कोल्ड, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, फ्लू, डेंगू, पोलियो, HIV एड्स, एंड अभी जो हमारा टॉप पे चल रहा है कोविड. ठीक है, तो और प्रोटोजोअल डिजीज में आपका होता है मलेरिया, क्योंकि प्लाज्मोडियम आपका प्रोटोजोआ होता है, अमीबिक डाइसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, काला अजार. ठीक है, सो ये लास्ट क्वेश्चन फटाफट से आंसर दे दो, फिर हम क्लास को माइंड अप करेंगे और एक प्रॉपर शेड्यूल आप लोगों को मिलेगा, जिसमें जो भी क्लासेस कब होने वाली आपके फेवरेट टीचर्स की, एंड यू नो सो यू कैन, जो भी हमारा अभी मिस आउट हुआ है उसको फटाफट से कंपेंसेट करेंगे और यूट्यूब पे क्लासेस करेंगे. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज, ऑप्शन ए डेंगी, ऑप्शन बी डायबिटीज, ऑप्शन सी एंथ्रैक्स, या ऑप्शन डी अमीबिक डाइसेंट्री. हाँ बिल्कुल ऑनलाइन आऊँगी प्रेरणा, बिल्कुल आऊँगी. टेलीग्राम पे नहीं मैं आऊँगी, अब यूट्यूब पे तुमको एक्टिवली ऑनलाइन मिलूंगी मैं, डोंट वरी, डू कम टू आवर क्लासेस. चलो फटाफट से आंसर बता दो मुझे इस क्वेश्चन का. यस प्रेरणा, अमीबिक डाइसेंट्री, आर यू श्योर? Are you sure?
बाकी लोग आंसर कर दीजिए, प्रेरणा ने तो आंसर कर दिया, बाकी लोगों का क्या? हाँ देख लिया, करेक्ट आंसर इज एंथ्रैक्स, क्योंकि देखो डेंगी जो है वो वायरल डिजीज है, डायबिटीज कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। अमीबिक अमीबा, अगर आपको पता, मैंने बताया था अमीबा एक प्रोटोजोआ होता है, तो अमीबिक डाइसेंट्री जो है वो प्रोटोजोअल डिजीज हो गई, एंथ्रैक्स जो है वो बैक्टीरियल होती है। ठीक है, इट वॉज लवली टू हैव यू ऑल, बहुत ही मज़ा आया आप लोगों के साथ, यस बहुत अच्छा लगा। ये दिस वॉज जस्ट अ ट्रेलर, एक रेगुलर क्लास हम लोगों की होने वाली है, सो आप लोगों को टेलीग्राम के ग्रुप पे सारा शेड्यूल दे दिया जाएगा, तो मिस नहीं करनी है किसी को भी क्लास, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।